उमेश पालत्या कांड में अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में एसटीएफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। असद अहमद पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल था। वारदात के बाद से असद फरार है। अतीक के बेटे असद की पुलिस और जांच एजेंसियां सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार सुबह लखनऊ एसटीएफ की टीम ने आगरा में फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में असद और उसके गुर्गों के छिपे होने की सूचना पर छापेमारी की। फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक की छापेमारी की जा रही है। इसी इलाके में असद के छिपे होने की खबर भी मिली है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम इस सर्च ऑपरेशन में आगरा पुलिस की भी मदद ले रही है। असद फतेहपुर सीकरी इलाके में छिपा हुआ था, लेकिन जब तक वहां टीम पहुंचती वो वहां से अपना ठिकाना बदल चुका है। असद और अन्य 4 शूटरों पर 5 लाख का इनाम है और ऐसे में फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक के बेटे असद के करीब पहुंच चुकी है जांच एजेंसियां। गिरफ्तारी से बचने के लिए असद लगातार ठिकाने बदल रहा है। जांच एजेंसियों को असद के फतेहपुर सीकरी के आसपास छिपे होने की जानकारी मिली है। असद अहमद पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। असद अहमद के अलावा 4 अन्य शूटर्स पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। धमकी और आगजनी के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट लाए गए, लेकिन फिर उन्हें एक नई तारीख मिली। कड़ी सुरक्षा के बीच इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया गया था। पेशी के लिए जाते समय मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक बार फिर से उनका गुस्सा सरकार और पुलिस कर्मियों पर देखने को मिला। ये आदमी नहीं है, जानवर है हम, बस याद रखना ये बात है। ये अपने मकसद में कामयाब है। दरअसल इरफान सोलंकी को 7 नवंबर को जाजमऊ इलाके में हुए आगजनी मामले में पेश किया जाना था, जहाँ चश्मदीद कनीज जेहरा की गवाही होनी थी, लेकिन कानपुर कोर्ट में वकीलों की हड़ताल की वजह से गवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगले 23 मार्च को सुनवाई होगी। इरफान की पत्नी ने पिछली बार मुलाकात न कराने को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज विधायक से उनकी मुलाकात करवाई गई। आज मुलाकात हो गई थी, 5 मिनट हमें इनसे बात करने का मौका मिला। हम लोग बहुत खुश हैं। कहते हैं रात में 2 बजे चले हैं आज, क्योंकि 10 बजे आना था। हाँ हाँ, मांग करिए और एडीजे 11 से तो परमिट मिल गया है। इंशाल्लाह फिर आगे दूसरे जो केसेस है सब में मिल जाए तो बेहतर है। इस बीच इरफान सोलंकी के वकील ने कोर्ट से अपील की है कि रमजान शुरू होने वाला है, इरफान सोलंकी रोजा जरूर रखते हैं, ऐसे में उन्हें फिजिकल प्रेजेंस से छूट दी जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाए। और इस बार रामनवमी पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भव्य तरीके से श्रीराम जन्मोत्सव मनाने जा रहा है। ये महोत्सव 22 मार्च से 30 मार्च तक राम की पैड़ी समेत अलग अलग स्थानों पर मनाया जाए। कुछ इस तरह राम जन्मोत्सव को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारियों में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जुटा हुआ है। इस बार राम जन्मोत्सव पर ओलंपिक में शामिल खेलों के अलावा वो सब कुछ होगा जो सांस्कृतिक तौर पर या फिर धार्मिक तौर पर लोगों को अयोध्या से और उनके आराध्य रामलला से जोड़ सके। ये पहला प्रयोग है जिसमें खेलकूद के साथ साथ अवध क्षेत्र के लिए नए उभरते कथा, व्यास कवि, दौड़, मैराथन, तैराकी का आयोजन होगा। तो ये पहला प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे खेलकूद भी जो ओलंपिक का हिस्सा है, मैराथन, तैराकी, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजनों का विचार हुआ है और ये कार्यक्रम करेंगे। आयोजन का उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों को राम जन्मोत्सव का आनंद लेने का एक अवसर मिले और इस दृष्टिकोण से एक बहुआयामी संरचना बने। बेस यह है कि समाज का सभी वर्ग, वह एक एक छोटे बच्चे से लेकर एक अधेड़ अवस्था वृद्धावस्था तक के व्यक्ति को अयोध्या में आने पे राम जन्मोत्सव का आनंद लेने का एक अवसर प्राप्त। अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में अयोध्या के 84 कोस की परिधि के लोगों को ही खास तौर पर शामिल होने का मौका मिलेगा। रामलला के अस्थाई मंदिर में ये आखिरी जन्म उत्सव है, क्योंकि 2024 का जन्म उत्सव रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में मनाएंगे। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। चमोली में जमीन धंसने के बाद अब एक और सड़क में बड़ी दरार सामने आई। सड़क पर मोटी मोटी दरारों ने जोशीमठ की याद ताजा कर दी है। दरारों ने एक बार फिर से लोगों को दहशत में डाल दिया। सड़क पर ये दरारें चिन्याली सौर मुख्य बाजार को जोड़ने वाली सड़क पर पड़ी हैं, जिसकी मुख्य वजह झील को बताया जा रहा है। टिहरी बांध की झील के कारण नेशनल हाईवे, स्कूल, आवासीय भवन, मुख्य बाजार समेत 16 गाँवों में बड़ी बड़ी दरारें आई है। कई दूसरे भवन भी खतरे की जद में हैं। जब से ऑल वेदर जो ऊपर नेशनल हाईवे को डाइवर्ट करके ऑल वेदर को बनाया गया, तब से इस जो नीचे चिन्याली सौर से उत्तरकाशी जाते हुए जो रोड है, इसका रखरखाव पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन नहीं कर पा रहा है। जबकि मुख्य रोड मेन मार्केट को जोड़ने वाली रोड यही है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। उत्तरकाशी में ऐसी दरारों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है।
बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। जाहिर है चार धाम यात्रा से पहले सरकार हर मोर्चे पर एक्टिव है, इन दरारों को भी पाटने की कोशिश जल्द ही जरूर होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।